सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। हाल के दिनों में अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर हमले के मामले बढ़ गए। इस पर अमेरिकी सरकार ने चिंता जताई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका में नस्ल, लिंग या किसी भी आधार पर हिंसा अस्वीकार है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका प्रशासन इन हमलों को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, खुद राष्ट्रपति बाइडेन भी परेशान है और किसी भी भेदभाव के आधार पर भारतीयों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए किर्बी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शासन में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, नस्ल, लिंग या धर्म या किसी अन्य कारक पर आधारित किसी तरह की हिंसा के लिए कोई बहाना नहीं चल सकता। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल्कुल अस्वीकार्य है। किर्बी का यह बयान तब आया जब वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं ने उनसे भारतीय छात्रों पर हो रहे लगातार और सिलसिलेवार हमले के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और उनका प्रशासन भारतीय और भारतीय अमेरिकी छात्रों पर हमले को विफल करने और बाधित करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। बता दें कि अमेरिका में महीने भर के अंदर 4 भारतीय छात्रों और 3 भारतीय मूल के लोगों पर हत्या की जा चुकी है। एक अन्य भारतीय छात्र पर भी हमला हुआ। जनवरी में जॉर्जिया के लिथोनिया में एक डेवलपमेंट स्टोर पर पार्ट टाइम काम कर रहे भारतीय छात्र विवेक सैनी की एक नशेड़ी ने हत्या कर दी थी। इसके बाद फरवरी में इंडियाना वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में एक भारतीय छात्र सैयद मजाहिर अली पर हमला किया गया। वहीं कल यानी 15 फरवरी को अलबामा के एक कस्टमर ने भारतीय मूल के एक होटल मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। सेफील्ड में भी प्रवीण रावजी भाई पटेल नाम के एक होटल मालिक की पिछले सप्ताह हत्या कर दी गई थी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।